सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 151 इज वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 एंड दैट इज रिलेटेड द चलेजा एंड फिमिकल एंड ऑल, यू नो दैट आपने ओवरी देखी थी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी की कैविटी का नाम था ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में थे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अटैच होते थे ओवियम से, क्या है ओवियम, यहां पर कहीं आप मान लीजिए प्लेसेंटा, और ओव्यूल में जहां पर अटैच होते थे उसका नाम था हाइलम, और प्लेसेंटा और हाइलम के बीच में ये थिन थर्ड लाइन स्ट्रक्चर होता था जिसको हम फ्यूनिकल, सो हम लोग कह सकते हैं फ्यूनिकल जिस जगह पर ओव्यूल में फ्यूज हो जाता है, जिस भी जगह पर फ्यूज हो जाता है उस स्कार को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एक्ट, सो आंसर शुड बी हाइलम। सो 151 का आंसर होना चाहिए 3 एंड दैट शुड बी द हाइलम। हाइलम वो जगह पर है जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाता है, फ्यूज्ड और यहां पर हाइलम फ्यूज कर जाता है। तो ये रहा आपके पास छोटा सा ऑप्शन, मैं देख रहा था उस आपके, ओके 151 के बाद हम लोग 152 की तरफ चलेंगे। अगेन मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चन है 132, और इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए। पहला है ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। वैसे अभी आप लोगों ने टिड्डी का अटैक देखा होगा, ये वही है पॉलीफेगस, झुंड में चलते हैं, ग्रीगेरियस का मतलब झुंड, पॉलीफेगस बहुत कुछ खा जाते हैं, पेस्ट है ये, ओके। दूसरा है एडल्ट रेडियल सिमेट्री के साथ एंड लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री के साथ, आपको मालूम है ये इकाइनोडर्मेटा के साथ है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है बुकलम्स, और चौथा पॉइंट आपके पास है बुकलम्स के अलावा, चौथा पॉइंट है बायोल्यूमिनेसेंस, रात में चमकते हैं बेटा ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस के साथ बोलते हैं। इट इज ए बी सी एंड डी, इनके सामने आपके सामने लिखा है एस्टेरियास, इट इज स्टारफिश, आपको मालूम है एस्टेरियास स्टारफिश होती है। इसके अलावा स्कॉर्पियन, मालूम है ये बिच्छू है। इसके अलावा टीनोप्लेना, टीनोप्लेना आपको मालूम है ये आपके फाइलम पोरिफेरा सिलेंटेड है, टीनोफोरा, टीनोफोरा का मेंबर। और इसके अलावा आपके सामने लिखा है लोकस्ट, लोकस्ट हम उन्हीं टिड्डी को बोलते हैं जो बेटा झुंड में चलते हैं। सो ग्रीगेरियस पॉलीफेगस का एग्जांपल लोकस्ट है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल होते हैं, लार्वा बाइलेटरल होते हैं, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर स्टेरियास है, स्टारफिश, बुकलम स्कॉर्पियन में होते हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस टीनोप्लेना दैट इज टीनोफोरा के मेंबर में होता है। सो इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं, इट इज 1, 2, 3 एंड 4। सेट F3 में इस मैचिंग का एग्जाम्पल जो है वो ए इज 4, B is 1, A is 4, sorry, A is 4, B is 1, C is 2, and D is 4, D is 3, and this option is I think 4th option. आप देख लीजिए, अगर कुछ मैचिंग में दिक्कत हो तो मैंने पहले से मैच करा दिया है, आप लोग इस मैचिंग को ध्यान से समझ लीजिए। So 134, 32 आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आप लोग देख लें और आगे बढ़ लें। 132 के बाद आपके पास 133 क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को भी देखने की जरूरत है। चलिए 133 देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 में, सॉरी आई थिंक 153, आई एम वेरी सॉरी, इट इज 153।
इट इज 153 और 153 का आंसर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, 153 के आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो एम्ब्रियोलॉजिक सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन डिस्प्रूव्ड बाय, एक छोटी सी बात है, लिखते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशन और ऑन्टोजेनी का मतलब है इट इज एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एक साइंटिस्ट हुए आर्न्स हैकल जो इस बात को मानते हैं, हैकल ये मानते थे कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है इन ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, लेकिन इनको क्रिटिसाइज किया था एक साइंटिस्ट ने, एंड द साइंटिस्ट नेम इज कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। तो कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने डिसप्रूव किया था हैगल को, डिसप्रूव किया, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिसप्रूव किया था हैगल की इस बात को कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में वही सारे इवेंट होंगे जो फाइलोजेनी के समय पर होंगे। इस क्वेश्चन में 153 में पूछा गया है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, सो डिसअप्रूव्ड बाय मिस कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, और वॉन बेयर का ऑप्शन इसमें 3 है। सो आप 3 ऑप्शन के साथ जाइए और इस क्वेश्चन को सही करें। तो इस तरीके से आपने 153 का थर्ड आंसर लगा दिया। 153 के बाद नाउ देयर इज 154, आपके पास एक 154 ऑप्शन भी आता है, क्वेश्चन आता है, अगेन 154 एक मैचिंग क्वेश्चन है। इस बार बहुत मैचिंग क्वेश्चन आया, आप देख रहे हैं। एक बैक्टीरिया का नाम रखा इन्होंने बैसिलस थोरिनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया है ओके, उसके बाद इन्होंने एक बैक्टीरिया निकाल देखा है थर्मस एक्वाटिकस। इसके बाद तीसरा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, ट्यूमीफेसेंस, और इसके बाद एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफिमोलिया। ठीक है, चीजें आपको याद होगा, बैसिलस थुरिंजिनेसिस से बीटी टॉक्सिन निकालते हैं, बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से टैग पॉलीमरेज जो एक डीएनए पॉलीमरेज है वो करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर की तरह यूज होता है, साल्मोनेटेरिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे यूज हुआ था आपको मालूम होना चाहिए। अब इनकी मैचिंग करानी है, मैच करा दीजिए, एक तरफ दिया है क्लोनिंग वेक्टर, दूसरी तरफ दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके अलावा दिया है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और इसके अलावा दिया है क्राई प्रोटीन। आपको मालूम है बीटी टॉक्सिन का दूसरा नाम है क्राई प्रोटीन, इट इज क्रिस्टल प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन इट इज अ क्रिस्टल प्रोटीन, और क्रिस्टल प्रोटीन होने की वजह से इसे हम लोग क्राई प्रोटीन बोलते हैं। सो बैसिलस थुरिंजिनेसिस इज फॉर द क्राई प्रोटीन, थर्मस एक्वाटिकस फॉर द डीएनए पॉलीमरेज, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरेंस फॉर द क्लोनिंग वेक्टर फॉर द प्लांट होस्ट के लिए बहुत यूज करते हैं, साल्मोनेला टाइफिमोरियम फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो ए इज 4, बी इज 3, सी इज 1 एंड डी इज 2। So the answer should be, A is 4, B is 3, C is 1 and D is 2, the answer should be 4. So 154 का answer 4 होना चाहिए, आप इसे correct करिए और आगे बढ़ जाइए, okay? इसको भी हटा देते हैं, 154 को भी हटा देते हैं। Now 154 के बाद हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है एंड दैट इज 155, क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 को भी ध्यान से देखते हैं।
चलिए ओके वन मिनट प्लीज ओके हियर इज 155 and this question is related with the seed dormancy. Seed dormancy का मतलब है inactivity of the seed enzyme. Seed की inactivity, यानी seed germinate होना बंद हो जाए, उसके लिए important कुछ chemicals होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए. Seed dormancy को favor करने वाले लोग होते हैं कौन कौन से आपको मालूम है? एक तो ABA होता है, abscisic acid, ये seed dormancy को favor करता है, याद रखना. इसके अलावा phenolic acid होता है, ये भी seed dormancy को प्रमोट करता है. इसके अलावा para ascorbic acid है, और ये भी seed dormancy को प्रमोट करता है. और यहां पर हमें यह नहीं पूछना कि कौन प्रमोट करता है, यहां पर हमें बताना है कौन सा ऐसा इनहिबिटरी हार्मोन नहीं, इनहिबिटरी हार्मोन है जो सीड डोर्मेंसी को प्रमोट नहीं करता. क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्न इन सीड डोर्मेंसी, और इसमें चौथा ऑप्शन है यहां पर, दैट इज नोन एज जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड और द जिब्रेलिन एक्चुअली ये ब्रेक करते हैं सीड डोर्मेंसी, डोर्मेंसी को ब्रेक करते हैं. तो इसका आंसर जिब्रेलिक एसिड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है. तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे सेट में ऑप्शन नंबर 3 है, और इसका आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड. सो प्लीज गो फॉर द जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड सी डोर्मेंसी को ब्रेक करता है, मेंटेन नहीं करता. सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 155 भी आपके सामने हो गया. 155 के बाद देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156. क्वेश्चन नंबर 156 ओके. सो 156 में इट इज अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इंक्लूजन बॉडीज? दीज आर द एक्सक्रीटरी समटाइम्स सीक्रेटरी बॉडीज, एंड दीज आर स्टोरेज मटेरियल. ठीक है, ये स्टोरेज मटेरियल है, और ये प्रोकैरियोट, कई बार एक्सक्रीटरी भी है, ये सिक्रेटरी भी है, ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं. अब ये जो इंक्लूजन बॉडी होती है, देयर इज अ नो मेम्ब्रेन, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन बाउंड, और साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े होते हैं, दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल एटसेट्रा, इस तरीके की चीजें. तो आप लोगों ने इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ा, तो इंक्लूजन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, सही है. दीज प्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, सॉरी, दीज आर एक्सक्रीटरी इन नेचर, सिक्रेटरी इन नेचर, रिजर्व फूड मटेरियल इन नेचर, रिजर्व फूड. अभी आप देखते हैं, they are not bound by any membrane, they are involved in the ingestion of food particle. So we can go for the, they are involved in the ingestion of food particle. Agar hum ye jayenge to it will be not correct. These represent the reserve material in the cytoplasm mein to hote hain, lekin ye reserve nahi hai, ya to secretory hai ya to excretory hai. So we can take it into the hold. Ab is question ke answer ko hold mein lekar ke एक बार इसे चेक कर लेते हैं. आपके सामने मेरे पास एनसीईआरटी है, और मैं इस क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करता हूं. साइटोलॉजी में इन क्वेश्चंस को हम लोग सीधे सीधे चेक कर रहे हैं. इंक्लूजन बॉडी ऑफ द रिजर्व मटेरियल, यस ये रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म का फॉर्म इंक्लूजन. दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, गैस वेक्टर और फॉर्म इंक्लूजन है. So, याद रखना इनका इंजेशन से कोई लेना देना नहीं है. सो जो हम लोग आंसर सोच रहे थे एक्चुअली वही आंसर है. सो रिजर्व फूड मटेरियल तो है ये, साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, मेम्ब्रेन से नहीं बाउंड है. दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल. सो आई विल गो विद द 4, नो रिलेशन विद इंजेशन.
सो इंजेशन से इनका कोई रिलेशन नहीं है. तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इंजेशन होने की वजह से ही बने हैं. नहीं, दैट इज फूड का क्योर और वो बेटा मेम्ब्रेनस होते हैं. सो वी कैन गो फॉर द फोर्थ ऑप्शन. दे आर इन्वॉल्वड इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल. तो देयर इज अ नो रिलेशन ऑफ इंजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल. सो वी कैन गो फॉर इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल. दैट इज क्वेश्चन नंबर 156. नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 157. यू नो यहाँ पर तीन तरीके की ओवरीज के बारे में हम लोगों ने कभी बात की थी. एक तो बेटा ये ओवरी है, थैलमस में अटैच्ड है और इनके नीचे से सारे पार्ट निकल रहे हैं. ऐसी ओवरी को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं. साथ में देर आर सम ओवरीज जो बेटा थैलमस में पूरी तरीके से बेटा पहुंच गई है, थैलमस में डिप्रेस्ड है और सारे फ्लोरल पार्ट इनके ऊपर से निकल रहे हैं. कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम वगैरह इनके ऊपर से निकल रहे हैं. इट इज इंफीरियर. वहीं पर कहीं पर कप शेप्ड थैलमस है जिसमें ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर पड़ी हुई है और ओवरी के लेवल पर कैलिक्स और कोरोला निकल रहे हैं. दिस इज नोन एज हाफ इंफीरियर. और जो ये हाफ इंफीरियर ओवरी है इसके तीन एग्जाम्पल आपको पढ़ने चाहिए. One is rose, plum, और peach. और यहां पर 157 में इन्होंने half inferior ovary का क्वेश्चन पूछा है. So half inferior का एग्जाम्पल जो हमारी NCERT में दिया है वो प्लम रोज पीच दिया है. लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है फर्स्ट इज सनफ्लावर. सनफ्लावर इज इंफीरियर ओवरी. प्लम इज हाफ इंफीरियर. सो दैट इज सेकेंड ऑप्शन. आई विल गो विद द सेकेंड ऑप्शन. That is half inferior. इसके बाद brinjal है, इसके बाद mustard. You know that brinjal and mustard they have a superior ovary. इसके अलावा आपको मालूम है plum is half inferior. Sunflower में अभी हम लोगों ने पढ़ाई तारीफ फ्लोरेट्स hypogynous inferior ovary आपको बस पढ़ा था. So इस तरीके से हम लोग half inferior के लिए plum बताएंगे. So 157 यहाँ पर भी हम लोग correct कर लेते हैं. 157 के बाद हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आता है 158. और यहां पर एक फूड चेन दी गई है. दी नहीं गई है, मैचिंग में दी गई है लेकिन मैं बता देता हूं. पहले इन्होंने देखो ग्रास को खाया रैबिट ने. मैं अपनी फूड चेन बना रहा हूं. रैबिट की डेड हो जाने के बाद क्रो से खा सकता है और क्रो को खाएगा वल्चर. वल्चर ये गिद्ध है, ये बड़े जानवर है. So, अगर मैं देखूं तो ग्रास ये प्रोड्यूसर है ट्रॉपिक लेवल 1 पे, रैबिट जो है वो ट्रॉपिक लेवल 2 पर है, क्रो जो है वो ट्रॉपिक लेवल 3 पर है और वल्चर टॉप ट्रॉपिक लेवल पर है, T4. अब वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आप मैचिंग करिए और इन्होंने ऑप्शन दिया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसके बाद दिया है इन्होंने सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर इन्होंने ऑप्शन दिया है यस सॉरी इन्होंने जो मैचिंग कराई है पहले इन्होंने कराई है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिर इन्होंने कहा है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर इन्होंने दिया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये मैचिंग करा रहे हैं ट्रॉपिक लेवल, और फिर इन्होंने दिया है थर्ड ट्रॉपिक लेवल. ओके, और इसको ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी, और इधर इन्होंने मैचिंग कराते हुए लिखा है ए में लिखा है क्रो, सेकंड में लिखा है इन्होंने वल्चर और थर्ड में लिखा है रैबिट और फिर फोर्थ में लिखा है ग्रास. अब आपको करना क्या है, नीचे दी गई फूड चेन की बेसिस पर ट्रॉपिक लेवल मैच करानी है. तो चलिए ट्रॉपिक लेवल मैच कराते हैं. सो हमारी ग्रास हो गई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ओके, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर हो गया रैबिट. ओके, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो गया क्रो एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे हो गया वल्चर. और इस हिसाब से ऑप्शन शुड बी ए इज 2, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 1. सो मेरी जो F3 सेट है उसमें ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है जहां पर A is 2, B is 3, C is 4, D is 1. और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 158 भी आपका करेक्ट हो जाता है.
And now, next question is 159. आइए 159 के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 159. देखिए इन्होंने एक प्रोसेस के बारे में बताया है. वो बता रहा है एक प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट है. नो डाउट मैंने बड़ा प्लांट बना दिया, मेरा प्लांट ऐसा ही बनता है, लेकिन आप इसे हर्बेसियस मानिएगा. ये जो प्रोसेस होता है ये हर्बेसियस प्लांट में होता है. ठीक, मैंने ऐसे बना दिया. और उन्होंने बोला इनकी लीव की मार्जिन से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस को आप समझिए. ड्रॉपलेट निकलना, दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन. तो बोलते हैं गटेशन का कारण क्या है. बोलते हैं नाइट में, यानी रात में, जब देयर इज अ नो ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन नहीं है, लेकिन देयर इज सो मच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रात में वाटर एब्जॉर्प्शन है, इसलिए वहां पर वाटर कॉलम बनने लगते हैं. और इन वाटर कॉलम से बनता है रूट प्रेशर, और ये रूट प्रेशर वाटर को प्रेस करता है, और वाटर प्रेस करके वेन एंडिंग से छलक जाता है. एंड दिस इज नोन एज गटेशन. गटेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाता है फ्रॉम द लीव, और उसके लिए रिजल्टेंट प्रेशर होता है रूट प्रेशर. सो क्वेश्चन नंबर 159 में वो पूछ रहे, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास. एक्चुअली हर्बेसियस प्लांट मैंने पहले बोल दिया था, ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज नोन एज गटेशन. और उसके लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है. You know that, जो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज नोन एज रूट प्रेशर. सो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल प्रेशर है, दैट इज नोन एज रूट प्रेशर. एंड हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन है, और इसमें रूट प्रेशर के अलावा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा. सो आई विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन. चौथे ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा, और इसका आंसर रूट प्रेशर लगाऊंगा. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 159 के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एंड दैट क्वेश्चन इज आई थिंक 160. और भाई 160 अगेन एक मैचिंग का क्वेश्चन है. सो अब आप लोग देख लीजिए इस साल मैचिंग से कितने क्वेश्चन बनाए गए, बहुत ज्यादा. एक तो है न्यूक्लियस नाम का एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करता है, न्यूक्लिक एसिड को कट करता है. अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस दिया, इसके अलावा इन्होंने एक्सो न्यूक्लियस दिया. आपको मालूम है एक्सो न्यूक्लियस भी डीएनए को कट करते हैं, लेकिन टर्मिनल पोर्शन से कट करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. इसके बाद इन्होंने दिया लाइगेजेस, ये डीएनए को जोड़ते हैं. इसके अलावा इन्होंने दिया पॉलीमरेजेस, जो बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं. तो ये कहते हैं कौन है जो करेक्ट मैच है. इस बार मैच नहीं कराना, इस बार मैच कराना नहीं है, आपकी बार करेक्ट मैच देखना है. विच वन इज द करेक्ट मैच. आपकी बार हमें करेक्ट मैच केवल पहचानना है. तो न्यूक्लियस के सामने इन्होंने लिखा है सेपरेट डीएनए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो ये तो गलत मैच है, ये तो सही मैच नहीं. फिर एक्सो न्यूक्लियस कट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डीएनए, कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन. नो, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि इस तरीके का काम स्पेसिफिक पोर्शन में कट करने का काम एंडोन्यूक्लियस करते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद करिए तब हमने पढ़ाया था आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एज अ मॉलिक्यूलर सीक्वेंस पैलिंड्रोम से कट कर रहे, तो ये भी गलत है. इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ज्वाइंट डीएनए, ज्वाइंट डीएनए फ्रेगमेंट, ज्वाइंट डीएनए, टू डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल, अपने मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं. यस, ये सही मैच है. इसके बाद पॉलीमरेज ब्रेक डीएनए दिया, इट इज ब्रेक डीएनए. सर ये भी गलत है, क्योंकि पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के काम आते हैं. सर इसका ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट. सो आई विल गो विद द लाइगेजेस विच जॉइन द डीएनए मॉलिक्यूल्स. सो 160 तक अभी देखते हैं, अगले 20 क्वेश्चन और अभी थोड़ी देर में.